नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए मटर पनीर की एक बहुत ही आसान बट बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना किसी तामझाम के, बिना कुछ पीसे, ना दही, ना मलाई, ना काजू, हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। और अगर आपको कभी कुछ टेस्टी खाने का और कुछ हल्का खाने का मन हो तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी बनती है क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ प्रेशर कुकर में हम रिफाइंड ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें डाल दें तेज़पत्ता। तेज़पत्ता यहाँ ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको एकदम बारीक काट लिया है वो हम डाल देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक हमें इसे भून लेना है। देखिए प्याज हमारा बढ़िया से भुन गया है। थोड़ा सा प्याज मेरा एक्स्ट्रा भुन गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, इससे टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्याज भुनने पर इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर और 1 हरी मिर्ची। तो इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हमें प्याज टमाटर को भुनना नहीं है, बस हमें इसे हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो 1 छोटी चम्मच हम यहाँ नमक डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पाउडर। तो अभी नमक और धनिया पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 1/4 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इस टाइम पे ज़्यादा ना डालें, बस 1/4 कप पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दें और कुकर का ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने तक हमें इसे पका लेना है। 1 सीटी आने के बाद प्रेशर ख़त्म होने देंगे। ये देखिए कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका था, मैंने चेक कर लिया था। गैस हमने वापस से ऑन कर दी है और अभी जो आपको इसमें जो हमारा मसाला है इसमें आपको पानी दिख रहा होगा, अभी हमें इसे हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भुनना है जब तक कि ये पूरा जो पानी सूख ना जाए और मसाले से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो इसे अच्छे से हम भुन लेंगे, बट भुनने से पहले हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो धनिया और नमक हम ऑलरेडी डाल चुके थे, अब 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच से भी कम मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मसाले हमें इसमें सिंपल रखने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। अभी बस इसको ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मसाला हमारा बढ़िया से भुन चुका है, इसमें ऑयल सेपरेट होने लगा है, बट मैं एक बार वापस इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे थोड़ा और भून लूँगी, बिकॉज इसको आप जितना अच्छे से भुनेंगे उतना ही आपकी सब्जी का टेस्ट बढ़ेगा। तो 2 चम्मच के करीब पानी और डाला है और इसे वापस से हम भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अच्छे से सेपरेट ना होने लगे। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें जाली बन रही है, यानी हमारा मसाला एकदम परफेक्टली भुनकर रेडी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप, मैंने यहाँ पे 1 बड़ी कटोरी भर करके फ्रोज़न मटर लिए हैं जिसे अच्छे से धो लिया है, और ये मटर डाल करके हमें करीब 30 सेकेंड के लिए इसे और भुन लेना है। तो बस मटर भी हमारे यहाँ पर भुन चुके हैं, अब हम डालेंगे पनीर। तो पनीर मैंने यहाँ पर फ्राई करके लिया है, फ्राई करते ही मैंने इसे पानी में डाल दिया था। ऐसा करने से जो हमारा पनीर है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और इस पनीर का टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो बस यहाँ हम पनीर भी डाल देंगे, तो पानी से अच्छे से निचोड़ करके ये पनीर हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, फ्राई करके जब भी आप पनीर निकालें उसे डायरेक्ट पानी में निकालिए, इससे पनीर बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी हो जाता है और जो ग्रेवी में हम इसको पकाते हैं तो अंदर तक ग्रेवी को अच्छे से अब्जॉर्ब करके बहुत टेस्टी हो जाता है। ये देखिए बढ़िया से हमने पनीर और को अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं सब्जी अभी से ही कितनी अच्छी दिखने में लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के अनुसार पानी। तो जितना आपको ग्रेवी रखना हो उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालें। तो मैं 1 कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी रखना है। तो बस इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और अभी इस स्टेज पर लास्ट में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और चुटकी भर करीब मैं डालूंगी इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा तो हम इसे डाल देते हैं। ठीक, गरम मसाला गया और थोड़ा सा बिल्कुल हमने भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। बस इसे अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और इसे 1 सीटी आने तक हम पकाएंगे। 1 सीटी आने के बाद 3 से 4 मिनट करीब इसको धीमी आँच पर रखेंगे ताकि सब्जी पर अच्छे से ऊपर से ऑयल आ जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी बनकर के रेडी है। तो कुकर का ढक्कन हम खोल लेते हैं
और देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, अच्छे से ऊपर से ऑयल भी आ चुका है और जो हमारा पनीर है वो अच्छे से फूल जाता है और जितने भी इसमें मसाले और इसका ग्रेवी है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। थोड़ी सी धनिया पत्ता से गार्निश करें और बस ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर बनाएं, भले बनने में सिंपल है बट इसका टेस्ट बहुत औसम आता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।